हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के होंगे। ठीक, तो भाई लोग यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आंसर अपना देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा और आप लोग को इसे 5 सेकेंड का टाइम भी दिया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं पहले पिछली क्लास पर चलते हैं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स वाला क्या था उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये था पिछली क्लास वाला, विश्व का सबसे गंदा शहर कौन सा है, इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर विश्व के सबसे गंदा शहर की बात करें तो फ्रेंड्स आ जाता है कानपुर। ठीक, कानपुर आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बना उसको हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में हस्तकला पुत्र केंद्रों को क्या नाम है? फ्रेंड्स, अब पुत्र नहीं है, हस्तकला केंद्रों का नाम क्या है या नाम है? ठीक, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृकनयनी। मृकनयनी नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश हस्तकला केंद्रों का नाम। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो सेकंड का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, बंगाल गजट। बंगाल गजट नाम था दोस्तों भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का नाम। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा रोपवे अवस्थित है, देश का सबसे बड़ा रोपवे अवस्थित है यानी कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में अवस्थित है। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुदेव सिंह। गुरुदेव सिंह है दोस्तों। तो फाइव क्वेश्चन क्या है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फाइव का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में दोस्तों साइलेंट वैली अवस्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सिक्स क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और आगरा को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो ऑप्शन आप लोग देखिएगा, सिक्स का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NH2 दोस्तों जो है ये दिल्ली कोलकाता को वाराणसी रास्ते से जोड़ता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सेवन क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सातवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलसिला। ठीक, आठवें प्रश्न में चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आठवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक, तो नौवें प्रश्न में हम चलते हैं। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो नाइन्थ का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की तटरेखा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। आज के कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन क्या बनना उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के नोटों पर भगवान गणेश की फोटो है? किस देश के नोटों पर दोस्तों भगवान गणेश की फोटो है? रूस, भूटान, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो जिस भाई को यार मालूम हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।